मैं खुद शॉक्ड रह गया यार कि इतने सारे चेंजेस थे और ये चेंजेस नहीं भी थे। मतलब सही मजा आ गया। तो चलो, अपना गेम हो चुका है ऑन और पहली बार हम लोगों को देखने को मिलती है अपने गेम की लॉबी। और जहां मुझसे पूछा जाता है अकाउंट डेटा ट्रांसफ़र, क्या हमें जो है सबसे पहले बताया गया है बैटल ग्राउंड इंडिया जो है न्यू ऐप है जो केवल इंडिया के लोगों के लिए है। ठीक है, क्या आप इंडिया से हो? मेरे से पहले यहां पे पूछा गया है। अगर हम यहां पे आई थिंक नो कर देते, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट मैंने फिर भी जो है यहां पे यस कर दिया। अब गाइस, जैसे हम लोग यहां पे यस कर देते हैं तो देखो फिर से एक पूरा पेज आया है अकाउंट डेटा ट्रांसफ़र और ये वही सारी चीज़ें बताता है। देखो, यू कंसेंट इज रिक्वायर्ड इफ़ यू वुड लाइक टू ट्रांसफर द न्यू ऐप गेम रिलेटेड डेटा इंक्लूडिंग पर्सनल डेटा। ठीक है ना, और डेटा आपको पता है कौन से डेटा की बात की जा रही है। पे हमारा वही डेटा, जैसे कि आपका जो स्किन्स हो गए, कपड़े हो गए, गन की स्किन हो गई, आपका मतलब कि कौन से सीजन में क्या कीड़ी था, वो सारा का सारा डेटा रखा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पर नीचे ये भी लिखा गया है कि हमारा जो डेटा है वो इंडिया और सिंगापुर में रखा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये भी चीज़ें लोगों ने बताई है। सो अभी मैंने अपना डेटा ट्रांसफ़र नहीं किया है कि ये थोड़ा सा ऐसा स्टेप है कि हमें थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर नो कर दिया। नो करने के बाद में इसने दोबारा से मेरे से पूछा और एक चीज़ और बताई कि ये जो डेटा ट्रांसफ़र है हम लोग कर सकते हैं 31 दिसंबर 2031 तक। तो चलो, हमें एक और चीज़ पता चली कि डेटा ट्रांसफ़र हम लोग 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं दोबारा से नो करूंगा क्योंकि मुझे अभी ये सारी प्रोसेस नहीं करनी है, क्योंकि ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम ध्यान से देख के सब कुछ डिस्कस करके तभी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि एक बार जो आपने स्टेप उठा दिया यहां पे उसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते। तो मैं जैसे यहां पे नो करता हूं तो उसके बाद में क्या होता है कि एक और पेज खुल जाता है। तो जैसे यहां पे लोडिंग हुई, एक वेबसाइट खुली जिस पे सेम चीज लिखी है, लेकिन मैंने फिर बताया कि भाई मुझे नहीं करना है अकाउंट का डेटा ट्रांसफर, तो यहां पे मैं अगेन नो पे क्लिक कर देता हूं। और भाई जैसे ही मैं नो पे क्लिक करूंगा तो गाइस हम लोग वापस आ जाते हैं अपने गेम में, और जहां हमसे पूछा जाता है कि क्या हम 18 इयर्स के हैं कि नहीं, क्योंकि इस बार आपको पता है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया कि ये बच्चों से थोड़ा सा गेम सही रहे, कोई इसमें बेफालतू अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट ना कर पाए या मम्मी पापा के बिना कंसेंट के ना खेल पाए, इन सभी चीजों को। सो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के जैसे हमने खोला इसे, सो सबसे पहले हमें ये रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। और बेसिकली इस रिवॉर्ड में 3 आउटफिट दिए गए हैं, मैं आपको इनके नाम तो नहीं बताने वाला हूं क्योंकि इनके नाम जान के भी क्या ही फायदा, क्योंकि ये आउटफिट तो वैसे भी आप में से कोई नहीं पहनने वाला है। सो ये वो 3 आउटफिट हैं, तो कलेक्ट तो करने ही पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। सो यहाँ पर भाई सबसे पहले गेम अपना एक ट्यूटोरियल देता है, इन्वेंटरी वगैरह कपड़े वगैरह पहनने के लिए बोलता है, जिसको कि हम बिना स्किप किए आगे जा भी नहीं सकते। अब उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आया, मतलब कि गेम हमको स्टार्ट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देख रहे हो भाई सब तुम, मैंने कई बार यहाँ पे मैचिंग पे मतलब क्लिक किया कि मत हो स्टार्ट भाई, मत हो स्टार्ट, लेकिन ये गेम भाई स्टार्ट ही होकर रहेगा। तो चलो, अब आगे और भी बात करने वाले हम लोग। तो फाइनली भाई घंटों के बाद में ये कैंसिल हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मेल में आए, सिस्टम में हम लोग कुछ नहीं देखने को मिला, फ्रेंड्स में